बास दुश्मन अजीब होते हैं, गो सियासी रकीब होते हैं, पर मफादात जब हों यक तरफा तो बड़े ही करीब होते हैं। ओपोजिशन है हर हर बाज मार रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह जी बिल्कुल सब ठीक है। आप भी लग रहे हैं बिल्कुल फिट हैं सर। अच्छा क्या बात है, होटल के मालिक लग रहे हैं सर। अरे वाह क्या बात। ये हो जाए तो होटल जा कहते ना वेटर नु खाना खाना यारो कहते खा ला मेरे को दंद ने ताडे। भाभी के साथ गए किसी रेस्टोरेंट पे। अच्छा खाना खाने के बाद बर्तन धोने लग गए। भाभी ने कहा ये होटल है घर नहीं। कर दे रेस्टोरेंट तो खाना खाते थे वैसे ही नहीं निकले। अच्छा। उन्होंने फड़ के मारिया कुटिया ते शर्मिंदा नहीं उठ के कहंदे ए हिसाब ना दो प्लेटां किते और दे दे होना। रेस्टोरेंट जदों खाना खान गए ने ते वेटर बिल लेके आया ते बिल वेख के कहंदे इहदी आखरी तारीख कदों है। दूजे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब के अंदर चौधरी शफीक गुज्जर। दूसरी मेहमान मॉडल एक्टर महरीन शाह। वेलकम टू द शो जी। महरीन शाह साहब तशरीफ लाई हैं जी बड़े अरसे के बाद और हमारी बड़ी अच्छी क्लीग से एक बड़े अच्छा मैं शेर लाया हूँ जी। ओह नाइस, लेट्स हियर भाईजान के लिए। मेरा आज के शेर जी आपके अंदर की बात है। वाह। नून इनकार की अलामत है और इकरार का इजहार ना हो पाएगा। हाय 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 हाय। एक आध मोरे की कुर्बानी तो हो सकती है, एक आध मोरे की कुर्बानी तो हो सकती है, मगर इस पे कोई तैयार ना हो पाएगा। ठीक साहब ली मेरा शेर है जी। अच्छा जी। चादर विचों मुंह ना कड्यो ते घर दी गल दा तूं ना कड्यो। अरे वाह। चादर विचों मुंह ना कड्यो घर दी गल दा तूं ना कड्यो, जेकर इज्जत बनानी चाहते हो झूठी गल दी सू ना कड्यो। मजाजे सियासत से जूं जूं शनासा होता जा रहा हूं। अरे वाह 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 वाह। मैं तन्हा और तन्हा होता जा रहा हूं। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है गुजर, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है गुजर, मैं नए पाकिस्तान में गुम होता जा रहा हूँ। शफीक साहब क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। आप कुछ कहना चाहेंगे इनके शेरों के बारे में? कोई नहीं, शेरों के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते जी, ये आखिरी शेर है। मगर सर आपने तो इनको आखिरी शेर कह दिया, हमने तो आखिरी शेर किसी और को समझा हुआ था। नहीं सर यही है माशाल्लाह। बस इतना ही है। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? Yes, definitely. और आपने क्या देखा इसके अंदर? Well, I've seen these guys. They're hilarious. They make us laugh. Oh, thank you so much. You're very welcome. बोलने दे उनको. I'm so excited and honored to be here. Thank you so much for inviting me as a guest. I really appreciate that. मैंने एक प्रोजेक्ट में इनके साथ काम किया है। अच्छा। भाई उस वक्त तो भी आई थी नई नई। हाँ। लेकिन उसमें भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। अच्छा। लगता था कि कुछ ना कुछ करेंगी। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस कद सारे हाई है माशाल्लाह। मगर वो आपकी तारीफ कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं आप तीनों को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और बड़े शौक से देखती हूँ। साहब एंड ऑफ कोर्स अकरम उदासर एज वेल, एंड इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बिकॉज जब शुरू शुरू में आई थी मुझे लाइक उर्दू भी पढ़नी नहीं आती थी तो मेरा बहुत एक्सेंट का मसला होता था। अच्छा। तो ये लोग मुझे कहते तुम स्क्रिप्ट पढ़ती रहो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, एंड उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। आपको अकरम उदास साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ काम करने का मौका मिला? या। और इन्होंने आपको सिखाया? या। उससे पहले आपको उर्दू नहीं आती थी और यहाँ के बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं था? बोलनी आती थी लेकिन रंग भी तो लाए ने ना साडे को सिखिया थे।
जिन्होंने नहीं सीखा उन्होंने पिछे पौनिया करके इतने बैठे दरअसल भाई अक्रम उर्दू हूं भला क्यों नहीं बोलते अपनी सारी उर्दू उन्होंने सिखाती है ना उन्होंने आपको कोई अंग्रेजी नहीं सिखाई सिखाई थी एक सेंटेंस बोले इंग्लिश में प्लीज कौन सा सेंटेंस से I am very glad that you are here. Okay. इना तो आखरी वक्त आ जी. आखरी बात बताए. आज हर बात जो आप कर रहे हो आखरी है. शेर भी आखरी. अजय आखरी. अजय तीन साल रहेंगे आखरी नहीं. तीन साल रहेंगे. नहीं मगर वैसे ही बताइए कि ये फैसलाबाद से आप क्या सोचते हुए आ रहे हैं. मैं ये सोच के आया था जी कि हमारे भैया हमें इन्हें दोबारा देखने का मौका मिला है इस अफरातफरी के दौर में इस मजबूरी के दौर में इस तंग दस्ती के दौर में जब आपका लोग प्रोग्राम देखते हैं तो ये चेहरे जरूर देखते हैं जो गुलदस्ता है और गुजर साहब माशाल्लाह जो आए ने ड्राइवर भी इनको डरता रहा क्यों उन्हें थोड़ी गड्डी दे चलाई उन्होंने कहते तेरा आखिरी सफर करो वैसे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज आप दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है ये क्या कोई आखिरी कलर आखिरी नहीं एहतजाज वाला कलर आप तो एहतजाज कर रहे हैं आप किस चीज का एहतजाज कर रही हैं इट्स अ कोइंसिडेंस दैट वी आर वेयरिंग द सेम कलर एंड व्हाट इज योर पॉइंट दैट यू ट्राइंग टू मेक जी कोई ऐसी बात नहीं कोई ऐसी बात नहीं ना मैं कहूं उनसे ही पूछ लूं आई थिंक ब्लैक मेक्स एवरीवन लुक थिन सो मे बी दैट्स व्हाई आई वोर इट टुडे ओह अच्छा अच्छा इन्होंने बोल दो नहीं लगता सीएनएन शुरू हो गया यकीन कर लो आप बताएं आप क्यों मैच कर रहे हैं हमारे साथ Is this a coincidence as well? दरअसल वो तो वैसे सियासतदान ना मैं ही मैच करता हूँ आपके साथ अच्छा और आप क्या पूछना चाह रहे हैं मूवी कौन सी आपने काम इकट्ठे किया जो बता रहे थे उन्होंने डांस डायरेक्टर कर लिया तो इजी रहा मेरा साथ अच्छा तो वैसे शफीक से ये बताएं हालात कैसे चल रहे हैं देखिए ये हालात पे तो हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए अंदर हो मगर ये सर आजकल तो बड़े इस्तीफे आ रहे हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं क्या हो रहा है नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं ना लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो पीटीआई से रابطे में हैं अच्छा लेकिन अभी मियां साहब का फैसला जो है ना वो भी कहते हैं कि इन लोगों को हमने अभी नहीं लेना क्योंकि जिन्होंने 2013 में हमारे टिकट नहीं लिए थे ये हमारी जो सरायकी बेल्ट है यकीन करें कि ये सियासी बात नहीं है ये ईमानी बात है वो लोग तल्ले कर रहे हैं मिनते कर रहे हैं कि हमें अब वापस लो पार्टी अल्लाह ताला की रहमत से इस मुल्क पे अल्लाह की खास रहमत है तो ये बढ़ेगा तरक्की करेगा इंशाल्लाह तो लोगों का फैसला जो आपको जलसों में नज़र आ रहा है तो लोगों का फैसला मियां नवाज शरीफ है इंशाल्लाह हमारे जो लोग दो चार गए हैं यकीन करें वो रबते में वो कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं हम सिर्फ काम के लिए गए थे हमें को तरक्याती काम चाहिए थे हमें अच्छा। जलालत दिया गया था लेकिन तरक्याती काम उन्होंने क्या करने वो अपनों के नहीं करते हमारे क्या करने उन्होंने वो पहले वाली जितने हमारे रोड बने वो उन्होंने तोड़ दिए हैं गली मोहल्लों में लोग परेशान हैं नई जनरेशन हमारी परेशान है डिग्रियाँ उठा के फिर रही है नौकरी के लिए जो 22 साल इमरान खान साहब ने लगाए थे ना वो कंटेनर पे चढ़ पे कभी स्टेज पे चढ़ पे उसका आउटपुट यही मिला है कि लोग तफरीक हो गए लोग मायूस हो गए लोग परेशान हो गए शफीक साहब कह रहे हैं कि नई जनरेशन परेशान है तो क्या आप परेशान हैं Well, I think in this time period, हर बंदा परेशान है because ये जो बीमारी आ गई है कोरोना उसकी वजह से इकोनॉमी पे भी काफ़ी फर्क पड़ा है and I guess everybody is suffering these days. Whether it's the younger generation or the older generation. Okay. नहीं, वो पूछना चाह रहा कि जैसे गवर्नमेंट आई है मतलब पीटीआई की उन्होंने कहा है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो उस बीमारी कोविड की वजह से है ये दूसरी वाली वजूहत नहीं उन्होंने कही है लेकिन तो कोरोना बहुत दूर है जड्डा कादे माशाल्लाह तड़ा थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय हाइट ये देखें आपकी वैसे क्या हाइट है 5'9" 5'9" हाइट है मैं नवा पखा लिया छत वाला मेरे ना घर जाके सर वो लवा दे आपने कभी लैडर का नहीं सुना किसका लैडर मैं पिछे कमरा जब आया मैं गार्डर का सुनया लाडर का कभी नहीं सुना लाडर का कभी नहीं सुना इनको सिर्फ ये पता है कि इनके अम्मी अबू इनसे बहुत लाडर करते थे लाड के ही साथ की कुछ होती है लैडर होता है सीढ़ी सीढ़ी वैसे मुझे बताएं यू डिड योर बैचलर्स फ्रॉम हियर यस एंड वाज इट ड्यूरिंग दैट टाइम दैट यू वांटेड टू बी एन एक्टर एंड मॉडल और या पहले से आप सोच कर आई थी मैंने प्लान बिल्कुल नहीं किया था एक्चुअली माय पेरेंट्स दे डिसाइडेड टू मूव बैक तो फर्स्ट आई हैड रिफ्यूज्ड लेकिन इट वाज वेरी टफ बीइंग ऑन ओन लाइक सो आई लिव्ड देयर फॉर अ होल ईयर उसके बाद मैं तंग आ गई मैंने अपनी मॉम को बोला आप टिकट भेज दें आई विल कम बैक बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव देयर ऑन योर ओन यहाँ पे तो आपको लाइक वो मिल जाता है ना सपोर्ट सिस्टम होता है या यू नो लाइक आप घर आते हो यू हैव वार्म फूड ऑन द टेबल समबडी हैज डन योर लॉन्ड्री एंड वहाँ पे वेदर इतना एक्सट्रीम होता है लाइक आई हैड टू शवल द स्नो ऑन माय ओन उते गड्डी खराब हुई को पूछता नहीं थे तीन चार बंदे धक्का भी ला देंगे बिल्कुल ही गार है ऐसा ही है एक्चुअली फिर जब मैं आ गई पाकिस्तान ऑफ कोर्स आई हैड टू कंप्लीट माय एजुकेशन मेरी एक फ्रेंड थी जो कनाडा से थी एंड शी हैड मूव्ड बिफोर मी
तो शी वॉज इन टू मॉडलिंग, तो उससे थोड़ा सा उसने मुझे इंटरेस्ट डेवलप किया मेरा. एंड देन आई, यानी कि आपको बचपन वाला शौक नहीं था जो कि वुमन मिलता है हमें सुनने को? मुझे थोड़ा बहुत शौक था, बट आई नेवर पिक्चर्ड कि मुझे यू नो उस तरह का चांस या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आई गेस अल्लाह की तरफ से हो गया. वैसे आप लोगों को लगता है कि आपको चांस मिलेगा? इंशाल्लाह जी चांस मिलेगा. और फिर क्या करेंगे? आपको जलसों से नहीं लगता कि मिलेगा चांस? नहीं, जलसे तो दूसरे वाले बहुत ज्यादा कर रहे हैं. हम वही सफर शुरू करेंगे तरक्की का दोबारा, फिर दोबारा से अपने हलके में मजा वंडनगे इंशाल्लाह. सर गुज्जर बादशाह ने ना साडे हलके में वैसे ही मजा बहुत है, फिक्र ना करो. अकरम दास साहब देख के आए ने मजा ही मजा, बंदे बहुत घट थन उठे. एक मज ते अकरम साहब दा सिर चटदी रही, इन्हां नूं कटा समझदी रही. आपको समझ आ रही है इनकी बातें? Yes, he was saying कि the cow was licking his head, I guess. सारी समझ आ रही. नक्शे वाले ना बहस भी सही कर देने मामले में. बिल्कुल सही. इनको आती है पंजाबी, समझ सकती हूँ, लेकिन बोलने में मुझे थोड़ा मुश्किल. हाँ, उर्दू पंजाबी इंग्लिश भी आ जाएगी इंशाल्लाह. और जो थोड़ी बहुत सीखी है मैंने वो उस शो में ही सीखी थी जो मैंने इनके साथ. आपको कोई फ्रेंच भी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको कनाडा में भी नहीं आपने सीखी? कनाडा में एक प्रोविंस है क्यूबेक, वहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं. आई डिडंट नो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्रेंच? मेबी आपकी वहाँ स्कूलिंग वहाँ पे हुई हुई है? यस, आई मीन ग्रेड 5 या 6 तक सिखाते हैं, आई एम प्रीटी श्योर. आई वाज वेरी यंग, थोड़ा बहुत बॉन्जोर वगैरह सिखाया. वैसे आपको पता है ये भी कनाडा जा चुके हैं? नो वे. कौन? ये मैं भी, अकरम साहब भी. अच्छा, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बड़ा अच्छा. आप समर्स में गए थे या विंटर्स में? मैं पैदल गया था जी. तो पानी पे भी चल के गए थे आप? हम गए थे टोरंटो, मिसेस सागा उधर. अच्छा अच्छा, आई एम फ्रॉम मिसेस उधर. मैं मिसेस सागा से ही ना बड़ा साग ले गया मैं. मिसेस सागा तो काफी सागा अच्छा होता है. मगर आपको चाहिए, आप उनको बताइए आपको कनाडा के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा. कनाडा में सब कुछ, लेकिन आप मुझे मिली नहीं, आप सबसे अच्छी हैं. अच्छा, आप कौन से साल में गए थे? पिछले साल गया था. मैं तो यहीं पे थी ना, मैं यहाँ पे थी. चलो तुम जाओगे, मैं 10 के जाना, मैं आ जाऊंगा. मेरे को 2 साल का वीजा है. आपको वीजा कैसे मिल गया? ऐसे ऐसे ऐसे. मैं अकेला नहीं हूँ जिसको इस बात पे ताज्जुब होता है कि आपको वीजा कैसे मिल जाते हैं. आर यू इनटू ट्रैवलिंग? आई लव ट्रैवलिंग. आपकी सोच है कि फिर इन्होंने कितना ट्रैवल किया हुआ है? अच्छा, आप गेस करें ये कितने को मुल्क फिर चुके होंगे. आई डोंट नो, लेट्स टेक अ वाइल्ड गेस. 6-7 कंट्रीज. कितने होंगे सर आपके? ज्यादा होंगे मेरे ख्याल. कितने? मेरे भी, अकरम साहब के भी. यूरोप तो ये सारा ऐसे फिरे हुए जैसे गुजरा वाले जाता है बंदा. यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका नहीं गए बाकी तकरीबन. आपका वीजा नहीं मिला होगा? यूरोप तो गुजरा वाला समझा, यूरोप जा कहना चिड़े मिल जाएंगे. तो उसके बाद उन्होंने बुलाया भी इतनी दोबारा. सियासत का खुशगवार नहीं, अभी इकॉनमी है मसनूई तनफ्फुस पर, सो कारोबार के हालात साजगार नहीं है. इत्तेहाद एहतसाब से बचने के लिए, वगरना कोई किसी का भी जानिसार नहीं. पक्की गल आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. मैरीन, ये of actors जो आपको पसंद हो, जिनके साथ आप काम करना चाहती हूं? I really want to work with Adnan Siddiqui. अच्छा. Yeah. I think he's super talented and really good looking. और भी बहुत सारे हैं, पर जिसके साथ मौका मिले I'll be grateful, satisfied. Do you cast your vote? मैंने नहीं डाला. माशाल्लाह जड्डा कादेगा तो उसे करोड़ डाल सकते हो. I don't know, मुझे डालना चाहिए था. My parents encouraging me as well, लेकिन I don't know उस वक्त क्या था, I got really occupied, मैं नहीं गई. अगर डालती तो किसको डालना चाहती? मिया इमरान को. I mean, I think we should give him some time. Visa, so, awam kehti hai ki abhi bhi time dein. The only reason I'm saying this is because it's unfair. Unke upar ye jo bimari wala jo circumstances aa gaye hain, I guess uski wajah se bhi kafi masla hua hai. Awam keh rahi hai ki unhon time deo te noon league wale keh rahe sade ko inna time nahi hai. It's not fair, like he needs a little time because ekdam se to nahi kuch theek ho sakta. Awam keh rahi hai sir time dein. Dekho ji, unhone ek time dita, unhone 90 din da kya takriban 2.5 saal ho chuke hain. Aur 2.5 saal mein jo unhone halaat paida kar diye hain, वो अपनी पहले वाली बात पे ही अगर कायम रहते. ये मैं सियासत से हट के थोड़ी बात करना चाहता हूँ. जो उनका मौक़फ़ था 22 साल से एक कंटेनर पे, यकीन करें वो अपने पहले वाले मौक़फ़ पे कायम रहते. सिर्फ 10 दिन की गवर्नमेंट होती, 20 दिन की होती, 2 माह की होती, तो इमरान खान के लिए तमाम 100% वोट उसको मिलना था. वार वार. लेकिन उसका मौक़फ़ जो है ना, वो तमाम जो उसने बातें की थी उसके वो मुतबादल गया. उसकी मनफी बातें की, उस पर यू टर्न लिए. कोई भी बात उसने की है, रात को उसने बात की है जी ये बिजली का रेट कम हो जाएगा जी, तो सुबह को रेट बढ़ गया. चीनी का रेट कम हो जाएगा, सुबह को रेट बढ़ गया. पेट्रोल का रेट कम हो जाएगा, मुझे पता नहीं है ये किसने बढ़ा दिया, वो सुबह को ज़्यादा हो गया. बट इन्फ्लेशन तो जितनी भी बातें हैं ना, ये बातें करने से नहीं सिस्टम चलेगा. ये कोई तजर्बा गाह नहीं, ये एक मुल्क है, ये पाकिस्तान है.
इसकी 22 करोड़ अवाम है, इसको तजर्बा का बना देंगे तो जो मुझको टाइम देना चाहिए उसको टाइम देना चाहिए। एक टाइम तो अवाम ने देना है ना, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको ये नज़र आएगा कि तकरीबन 99% अवाम जो नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी। 99% इंशाल्लाह, तो 1% कौन है जो नहीं खड़े होंगे? जितना वोट पड़ेगा वो छाते खड़े होंगे। 1% होते हैं वो, 3 दफ़ा का वजीर आजम है, उन्होंने काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने मोटरवे बनाई है, मेट्रो बनाई है, उन्होंने ग्वादर बोर्ड बनाई है, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनाई है जिसके आज वो इफ्तिताह कर रहे हैं। एक चीज़ को मैं गलत समझता हूँ, उसका इफ्तिताह करने का मकसद ही नहीं, उसका मकसद था अगर वो चल गई उस पर इन्वेस्टमेंट हो गई तो वो इंतजामिया को उसका इफ्तिताह करने देते। मैं एक चीज़ को गलत कहता हूँ तो वहाँ पर मेरा जाना ही नहीं बनता। बड़े शौक से हम उसके जो जितने प्रोजेक्ट हैं उसका इफ्तिताह तो कर रहे हैं, तो साथ ये कह रहे हैं कि ये गलत काम है, इफ्तिताह भी कर रहे हैं। इसलिए ये बात यह है कि ये उन्होंने डिलीवर किया है और उसको अवाम याद कर रही है। आपने जितने जलसे देखे हैं मरियम नवाज़ साहिबा जाती हैं तो अल्लाह की रहमत से लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। पहले लोगों को हम निकालते थे, अब लोग हमें निकालते हैं कि चलो आओ चले हम जलसे में चलते हैं। इन्हें भी लोगों ने तनु कढ़िया ही, मैं पहले किसी और ने निकाला था अब पहले, लेकिन उस तरह नहीं। लेकिन मोटरवे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है जी। अच्छा, और तुम सफर करो तुम किया होगा साफ सुथरी मोटरवे। इमरान खान साहब तो मोटरवे तो जाते ही नहीं, क्यों? अभी मियां ने बनाई है, मैं जी टी रोड था नहीं जाना। आपने तालीम भी इतनी हासिल की, कनाडा में रही सारी जिंदगी, तो आगे का क्या प्लान है? होता है ना जिंदगी में सोचा हो कुछ? ऐसा कोई प्लान नहीं है। मतलब नहीं, 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 अभी तो आप बिजी होंगी ना, काम शाम कर रही हैं, अभी आपने अपना कैरियर आगे बढ़ाना है, तो उसके बाद फिर कोई सोचा ही होगा? आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, सो आई डोंट रियली प्लान थिंग्स। बाकी मैं सोच कुछ हो रहे हैं, तुसी कर कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जिंदगी में चलता ही रहता है। लेकिन एक आइडियल भी जिंदगी में होता है ना, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतनी प्यारी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे ना, आपकी जिंदगी का आइडियल कोई, कोई हीरो आपका जो आपका हम सफर बनना? आई मीन बहुत दूर की बात है, फिलहाल आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय करियर। अरे करियर के बाद भी तो सोचा किस तरह का होना चाहिए, मसलन के हमका हम सफर आपके साथ चलता हो तो बिल्कुल है ना, छोटा जाओ वे इंज लगदा तुसी कूलर फड़े आदे जा रहे हो। आई वुड वांट अ टॉल पर्सन ऑफ कोर्स, बट आई थिंक ही हैज टू बी अ जेंटलमैन। मुझे गुस्से वाले मर्द बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो पिते कड़वाते अपने दर सारे, गुस्सा आंदा ही नहीं। आई लाइक मेन हु रिस्पेक्ट वुमेन। रिस्पेक्ट की मैं काम ते जा लगे तन सलूट मार के जावे, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। आई मीन यू नो लविंग केयरिंग, थोड़ा सा लाइक इनसेंसिटिव ना हो, अग्रेशन वाली चीज उसमें नहीं चाहिए। इतने ही गल मका दे बस, साडे लो तो मोगी गल पाई जानो। क्या आपको कोई समझ आई उनकी बातों से? कोई कह रहे कि इज्जत करने वाला हो, टॉल हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि गुस्सा ना आता हो उनको, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि स्पार्क भी होना चाहिए। स्पार्क की उनमें आके सोचे जंगला दे दिया, स्पार्क ट्रांसफार्मर पे बैठ के कमा आई लव यू सो मच। स्पार्क केड़ा तुझे चार में बड़ियां तारां की। आई मीन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, आई मीन आई हैव नोटिस्ड, आई फील लाइक रोमांस शादी के बाद बहुत खत्म हो जाता है। बदला उन रोमांस करके बच्चे दे पैंपर ले आवे जी की शफीक साहब, आपके ख्याल में सही कह रही हैं? असल में बात ये है कि कैसर भाई को पता नहीं, जी समझ नहीं आ रही, वो कहते ने कि मुकम्मल डंग निकले हुए बंदे का वो ठीक आ। बिल्कुल सही की है कि बिल्कुल शरीफ तरीन आदमी हो, शरीफ तरीन हो। बात सुने, शरीफ और तरीन एक जगह पे कैसे हो सकता है? लेकिन ये हमारे पास ऑन है क्या ये, इसका रिश्ता हम ढूंढ रहे हैं। तो माशाल्लाह इसके बारे में अगर कोई आपका ख्याल हो, माशाल्लाह ये मनफी गरीब है बट दिल से अमीर है। नहीं जेनी तौर पर गरीब है ना, गड्डी जी है रक्षे नु फिर हाथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा, मसलन हर चीज़ अल्लाह की मेहरबानी। तो अब आपने रिश्ते वाली आंटी का काम शुरू कर दिया? नहीं, हम तो मुलाजम है, आंटी ये है। चलो जी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गुजर भाई, तुसी भी क्यों हल्के जे देखना को बंदा है? तुसी इस तरह करना, फैसला बाद उदो ही आना जो रिश्ता करा गया होगा।
Good, how are you? You know what happened with me? I have no idea. Oh, pani mere ghar de vich aa gaya. Main naal wale neighbor wale da main bua knock kita. Main keh tuhanu pani saade wala aa rya. Oh kehnda saade wal vi aa rya. So I went to the street. Utthe main dekha te sewerage ji band. Oh. Main hole. ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੋਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਪ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 700 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨੀਡ ਏ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 12,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਫਰੋਮ ਆਰ ਗੈਸਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਮੋਲੀ ਦੇ ਨਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਯੈਸ ਨੂਨ ਲੀਗਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਪ ਸਰ ਪੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਯੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੰਦੀ ਨਾ ਵੱਟ ਦੇਣਾ ਦੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਯੈਸ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 150 ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਸ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ 100-100 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਟਾਕੀ ਟੁੱਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਕਿਣਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤੀ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਆਪ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਬੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੇ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂਗਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹਿਲਦੇ ਹਿਲਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਖਰਾਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਅੱਖ ਲਾ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਤੁਮੇ ਹਮ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਸਾ ਕੋਰਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ
وہ پھر ساری دوستی ہو گئی اوکے بڑے عرصے تو بعد خوشی دی خبر آئی کہ میرا یار ہن امریکہ دا صدر ہے ہن سانوں کوئی ٹینشن نہیں پیپلز پارٹی نو واہ واہ تے مینوں کہندے نے فون ملا میری گل کرا جو بائیڈن صاحب نال اچھا ماری میں کال پہلی کال تے چکیا نے ہائے جو بائیڈن میں کہ دس از میاں افضل احمد نے گولی میں کہندے نے ہاؤ آر یو میں کہ سر قائم علی شاہ صاحب ہیز بین ٹاکنگ ٹو یو ٹو دا کرکٹ دام میں کہندے نے اوکے ڈن اوکے میں پھر شاہ جی نے دتا میں کہ سر شاہ جی جو بائیڈن صاحب لینتے نے ٹھیک ہے اگو جو بائیڈن صاحب نے پوچھا ہے بھائی آپ کی صحت کیسی ہے کہندے نے اللہ کا شکر ہے ہم پر کوئی کیس نہیں جی سر ٹھیک ہے انہوں کی گل انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے سمجھ آ رہی جن کو میں کہندے نے رائٹ ناؤ آئی ایم ان دا سندھ ان کو کہا انہوں نے جو صاحب نے ٹھیک ہے جو کہندے نے سندھ میں سے ہم جیتے ہیں یا ٹرمپ سیاست کیسی چل رہی ہے قائم علی شاہ صاحب کہندے نے میں نے سنا ہے جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے ہاں جی ماشاء اللہ میں تو پھر انہوں نے فائنل کرا کے نکل آیا تھوڑے معاملات کیسے چل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے گجر صاحب ہاں جی شفیق گجر مائی لو یس یس آل خیر یونیورسٹی اسلام آباد پڑھتے سن میں سائیکل تے چڑھ کے آتا سن جی سر اس ویسے سڑک نہیں سن بنی ہوئی ہاں کچی سڑک ہوں سی ابو میرے بڑے دوست ہوں سن میں بڑی خدمت کی اس خاندان کی پہلی بار ایم پی اے بنے نے کون نال سی کون نال میں تھوڑے کول پوچھنا تسی میں یار دوئی بار ایم پی اے بنے نے ادو کون نال سی آپ بڑی مدد کرتے نے بھائی غریباں کو کچھ لبتا ہی ہونا نائی صاحب نے اپنا برجائی بھی سنیا آ گئی ہوں سیاست نہیں وہی میں سوچ رہا میں انہوں نے کدھر دیکھا اچھا میں بے پرواہی بھی بڑا اچھا سی انہوں نے بڑے بڑے اچھے ڈرام میں سمجھا پر جائیے تھینک یو نہیں نہیں گجر صاحب بڑے نفیس آدمی نے گجر صاحب بڑے پیار بول دے گھٹ نے لیکن کم بڑے اپنے علاقے دے کرتے میں کہنا سویرے سویرے نکلتے نے سویرے باہر نکلے نے تے خاتون کھلوتی سی انہیں پوچھا بھی اماں جی کی مسئلہ ہے وہ کہندی میرے گھر آٹا نہیں ہے گا ایڈے رحم دل آدمی کہندے نے دیو پیسے میں لے آؤں ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی 2020 کا آغاز کرتے ہیں شفیق صاحب چاند پر جانے کے لیے ایک اسپیس راکٹ میں آپ بیٹھے ہیں دو سیٹیں ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے اس کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے آپ واپس آ جائیں گے کون ہوگا وہ آپشنز آپ کے پاس ہیں طلال چوہدری اور جناب احسن اقبال یہ طلال صاحب کو لے جائیں طلال صاحب کو لے کے جائیں آج کل نون لیگ والے ان کو ہی لے کے جا رہے ہیں مومن صاحب کو بتاؤں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے طلال صاحب کو لے جاؤ سر یہ بتائیں ایک لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں آپ اسمبلی کی لفٹ میں ہی فرض کریں انٹر ہوئے تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ نے تصویر کھچانی ہے ایک کو آپ مروتن ہنس کے دیکھیں گے مسکرائیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے بھیا فلور آ گیا ہے آپشن آپ کے پاس ہیں جناب خواجہ سعد رفیق خواجہ آصف صاحب اور جناب پرویز رشید تو یہ بتائیں کہ تصویر کس کے ساتھ کھچائیں گے خواجہ سعد رفیق کے ساتھ اسمائل کس کو دے رہے ہیں آپ خواجہ آصف صاحب کو اور فلور آ گیا ہے پرویز رشید صاحب پرویز رشید صاحب کو فلور آ گیا ہے سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ایک اپنا دوسرے پہ کسی کو لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشن آپ کے پاس ہیں عامر لیاقت اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان یہ آپشن دونوں چینج نہیں ہو سکتی نہیں سر یہ بڑی بہتر اس لیے میں نے خاص ڈھونڈ کے نکالی ہیں نہیں یہ دونوں چینج اس میں سے کوئی اور کر دیں اس میں سے اور کر دوں آخری بار آپ کے لیے چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپشن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہزاد اکبر اور شہباز گل یہ تو سونے دے سو اگلی گل اب آپ دیکھیں جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں میں نے آپشن آپ کو چینج کر دیا تھا ایک بار چلو شہباز گل کو لے جائیں شہباز گل کو زبردست جی مہرین آئیڈیا ہو گیا Are they going to be the same questions with the same options? No, no. Completely different? Yeah. تو یہ بتائیے مہرین آدھی رات کا وقت ہے آپ بہت بور ہو رہی ہیں آپ کے فون کے اندر ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کو کل کرنے کے لیے آپ کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب عثمان بزدار اور
जनाब हमजा शहबाज. लेट्स गो फॉर हमजा शहबाज. ओए होए होए हमजा शहबाज, देखिए गुजर साहब को कैसी दिल को लगी आपकी बात. ये बताइए एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है. ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास इकरा अजीज, हानिया आमिर और निमरा खान. सेल्फी किसके साथ है? Selfie, I'll take with Ikra Aziz. Smile किसको दे रही हैं? Give it to my friend Nimra Khan. I've worked with her. Okay, और किसको कह रही हैं कि आपका floor आ गया है? I guess we are only left with Hani Amir, so. Okay, Hani Amir होंगी वो. ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है. रोज सुबह आप उठेंगी, आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पर पड़ेगी. किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और मौलाना फजल रहमान. That's a tough one. मेरे भी दो ऑप्शंस चेंज हो सकती हैं. नहीं. Okay, let's go for आमिर लियाकत. आमिर लियाकत साहब की तस्वीर देखना चाहती हैं. ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं. किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी और ब्रैड पिट. That's a tough one. Let's go for Adnan Siddiqui because I hope to work with him. Oh, Adnan Siddiqui साहब आपने ब्रैड पिट को भी मार दिया यहाँ पे. ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी शफीक गुजर साहब और कैसर पिया. Either one, doesn't matter. Why? कोई भी ले ले, because I'm not familiar with those people. You are not familiar with चौधरी शफीक गुजर and कैसर पिया. दोनों का नहीं पता. ठीक है, शाबाश. वैसे चले आपको इन दोनों का इल्म तो नहीं है, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है, किसको देनी चाहिए आपको? Either one. नहीं, it doesn't impact me, na. Just to tell you, ये चौधरी शफीक गुजर है और वो कैसर पिया. अच्छा, he's him. चौधरी शफीक. And you are? कैसर पिया. कैसर पिया. I'd give it to him. थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो. मेरिन शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर सर. आ जाए जरा फिर.